गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। टुडे आवर सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स। इन योर मैथ क्लास वी हैव लर्न्ड लास्ट इन योर लास्ट मैथ क्लास वी हैव लर्न्ड नंबर नेम। वी हैव रिटन नंबर नेम फ्रॉम 101 टू 110। टुडे वी विल गो फॉरवर्ड। We will write today one number names 111 to 130. First, we will know how to write the number name. We already know the place of 10 and 1. बच्चों हम लोगों ने पहले 10 और 1 पढ़ चुका है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि आप लोग 100 तक काउंटिंग पढ़ चुके हो। आप 200 तक के काउंटिंग को भी आप लोगों ने पहले क्लास में पढ़ लिया। तो इसीलिए आज हम लोग ये जानेंगे कि 100 कैसे होता है, 100 तक हम लोग लिखते कैसे हैं, प्लेस जो होता है 100 का प्लेस होता है वो कैसे बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगी, एक नंबर लिखूंगी जो कि 3 डिजिट का हो। जब हम लोग 2 डिजिट का नंबर लिखते थे, जैसे एक नंबर मैं लिख रही हूँ 1 और 5, ये होता है 1, 5, 15। दैट मीन ऊपर हम लोग लिखेंगे 10 और 1। 10 का मीनिंग होता है यानी 10 यानी 10। जब 10 के बाद दो डिजिट सिंगल डिजिट ऐड होने लगेगा तो वो हो जाएगा 1 के प्लेस। जैसे इस 10 में 5 ऐड हुआ तो ये बना 15, ये हो गया 10 और 1 1 का प्लेस। आज हम लोग जानेंगे 110 and 1। जैसा कि हम लोगों का आज का नंबर स्टार्ट हो रहा है 111। सो वी विल नो हाउ टू राइट इन द नंबर नेम फॉर्म ऑफ 111। वी विल पुट 1 इन द प्लेस ऑफ 100, अनदर 1 इन द प्लेस ऑफ 10 एंड अनदर 1 इन द प्लेस ऑफ 1। क्योंकि हमारा नंबर है 100, तो आप लोगों को अच्छे से पता है जब 3 डिजिट का नंबर हो जाता है तो वो 100 के फॉर्म में आ जाता है। अब यहाँ अगर 1 है तो 100 बोलेंगे, वहीं अगर 2 रहेगा तो 200 बोलेंगे। लेकिन आज हम लोगों को सिर्फ 111 से 130 तक पढ़ना है। तो यहाँ हम लोग ये देख रहे हैं ये 1 के प्लेस पे 1 है, 10 के प्लेस पे भी 1 है और 100 के प्लेस पे भी 1 है। तो जब 100 में 11 ऐड हो रहा है, 100 के बाद 11 आगे काउंटिंग पढ़ते हैं तो 111। 100 में जब 11 ऐड हो रहा है तो ये बन रहा है 111। और जब 1 में 1 में जब 10 में अगर 1 ऐड होगा तो वो हो जाएगा 11 ओनली। सो वी विल स्टार्ट राइटिंग द नंबर नेम लाइक दिस। फर्स्ट वी विल लीव 2 बॉक्सेस ऑन द टॉप एंड राइट फ्रॉम द थर्ड बॉक्स। ये चीज मैंने हर मैथ क्लास में बताया है आप लोगों को। After writing the heading, our heading is write number names from 111 to 130. First, we will leave one box after margin. Then write the number. First, we will put all the numbers and a dash in another box. Then leave one line. Then write the next number 112. And a dash 113. We will keep one more line. एक एक लाइन छोड़ के पहले नंबर डालने हैं। इसलिए आप लोगों को ये नंबर डालने के बाद नेम लिखने में इजी हो। 114, 115, 116, 117, 118,
क्योंकि ये हम लोगों के बोर्ड में ये प्लेस जो है वो लिमिटेड है, इसीलिए हम लोगों को इसी बोर्ड में आगे के नंबर को अगर नहीं लिख पाए तो आप लोग अपने कॉपी में इसको कर लो। In this side, I will complete the number from 120 only. 120. आगे का नंबर आप लोग अपने कॉपी पे कंप्लीट करोगे 130 पे। We will write in cursive 1 HUNDRED 111. क्योंकि हमें पहले से पता है हर एक वर्ड के बीच में वन फिंगर का स्पेस होना जरूरी है, इसीलिए आप लोग भी वर्ड को सेपरेट करने के लिए वन फिंगर स्पेस दोगे। फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और बाद में जितने भी लेटर्स हैं आप लोग जितने भी लेटर्स लिखोगे, जो भी लेटर्स आप लोग लिख रहे हो, जो भी वर्ड स्टार्ट कर रहे हो, उसका सारा लेटर स्मॉल ही होगा, कैपिटल बीच में लेटर नहीं होंगे।